हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये एक हमने अपनी बाइक के लिए टायर ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो ये कौन सा टायर है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में डिटेल बताता हूँ कि ये टायर कौन सी कंपनी का है, कितने का मिला और हमने इस टायर को क्यों परचेज़ किया। जो भी कंपनी का है तो इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर, तो इसको मैं ओपन करके, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक बार इसको ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है अपोलो अल्फ़ा S1, ये है अपोलो अल्फ़ा S1, 2 ईयर्स वारंटी और 5 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है और 2 ईयर्स की अनकंडीशनल वारंटी है। और ये जो टायर की साइज है, ये है 130/70 R17 का। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने अपनी बाइक पल्सर NS200 के लिए इसको ऑर्डर किया था अमेजोन से। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये हमको मिला है 2947 रुपीज़ का। तो आफ्टर मार्केट पे हमने, बाहर मार्केट हमने पता किया था इसको, तो कुछ लोग 3500, कुछ 3600, कुछ 3700, सबके अलग अलग रेट होते थे। अब इसको चलो मैन्युफैक्चरिंग रेट देखते हैं, कब का बना हुआ टायर है देखेंगे। अगर ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये अपोलो का टायर है, अपोलो। ये देखिए, ये ऐसा दिखा रहा है कि एरो दिखा रहा है कि ये आपका रियर में ऐसा रहेगा। और ये इसका जो साइज है, 130/70 R17 का टायर है, ठीक है, 62H। और अगर मैं बात करूं ये बना हुआ कब का है, तो शायद उस साइड में होगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, हाँ ये देखिए, ये 25 वीक 23, मतलब 25 हफ्ते और 2023, मतलब ये लेटेस्ट है और पुराना मॉडल नहीं है कि 2022 का दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, 2023 का ये आपको दे रखा है। तो ये है टायर। तो अगर आपको याद होगा तो इसके पहले भी हमने यही टायर यूज किया था और इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया टायर चला ये, अभी भी लगा है वो। मैंने सोचा 2000-4000 किलोमीटर चलाऊंगा, लेकिन काफ़ी ख़राब हो गया वो, अभी पंक्चर ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम नया टायर डाल देते हैं इसको। तो हमने वापस वही सेम टायर मंगवाया है अपोलो का, तो क्योंकि 35-36000 बहुत ही आराम से चल जाता है अगर आप इसको चलाएँगे तो। तो हमने हर टाइप के रोड में चलाया है, ख़राब रोड हो, हाईवे हो, हर टाइप में काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा सा नॉइज़ करता है हाईवे रोड पे, बट ग्रिप काफ़ी अच्छा है, चाहे बारिश का टाइम हो, चाहे गर्मी का टाइम हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस टायर का। तो हमने फ्रंट में भी टायर यूज किया है सेम कंपनी का, अपोलो का ही यूज किया मैंने, तो वो है आई थिंक 180/17 का, अपोलो एक्टिजिप करके है। तो बस यही बताना था। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।